तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अलीसा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार होती है। वहीं अलीसा को देखकर किमिज़ुका काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। अलीसा किमिज़ुका से बोलती है, तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है, तुम अजीब लग रहे हो। तभी किमिज़ुका बोलता है, अजीब तो तुम लग रही हो, जरा अपने कपड़ों को देखो और आखिर तुमने यह कपड़े क्यों पहने हैं। अलीसा बोलती है, पर सिएस्टा भी तो यही कपड़े पहनती है। किमिज़ुका बोलता है, सिएस्टा और तुम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो क्या तुम सच में यह डिटेक्टिव वाला काम करना चाहती हो। अलीसा बोलती है, हाँ मैं यह करना चाहती हूँ। अब किमिज़ुका सोच रहा होता है, तो इस केस को अलीसा हैंडल करने वाली है, हमें आई ऑफ द साफाहीर को ढूंढना है और हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तभी अलीसा बोलती है, चलो फिर चलते हैं। किमिज़ुका उसकी ओर देखता है, पर अलीसा तब तक वहाँ से गायब हो चुकी होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अलीसा भागते हुए एक ओर जा रही होती है, किमिज़ुका भी उसके पीछे भागने लगता है। किमिज़ुका उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह नहीं रुकती और बोलती है, मुझे भागने में मज़ा आ रहा है। उसकी स्माइल देखकर किमिज़ुका बोलता है, इसकी स्माइल डिलाइटफुल है, बिल्कुल समर के सन जैसा। अब अलीसा के पीछे भागते भागते किमिज़ुका काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वह अलीसा से बोलता है, मेरी बात सुनो अलीसिया, तुम इधर उधर भागना बंद करो, यह कोई वंडरलैंड नहीं है और तुम्हें खुद के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो तुम मेरी बात सुनो और अब हम यह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। अलीसा बोलती है, हाँ मैं समझ गई, तो अब मुझे तुम एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। किमिज़ुका बोलता है, तो फिर ठीक है। और अब किमिज़ुका अलीसा को अपना हाथ देता है और अलीसा किमिज़ुका का हाथ पकड़ कर चलने लगती है। अब अचानक अलीसा किमिज़ुका से अपना हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो, क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। किमिज़ुका बोलता है, पर रोड पार करते वक्त तुमने खुद ही अपना हाथ मेरे हाथों में दिया था। अलीसा बोलती है, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं 17 साल की हूँ। और अब अलीसा चुप हो जाती है। किमिज़ुका आगे की ओर चलने लगता है और अलीसा उसके पीछे पीछे चल रही होती है। तभी अलीसा एक जगह रुककर अपने आप को एक शीशे में देखने लगती है और बोलती है, शायद मुझे लगता है कि मैं 17 साल की हूँ। अब किमिज़ुका अलीसा के पास आता है और बोलता है, तुम्हें उस बारे में ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी अलीसा बोलती है, देखो किमिज़ुका, मैंने यह केस सॉल्व कर दिया। और अब किमिज़ुका देखता है कि वहाँ पर ज्वेलरी शॉप में अलीसा एक ज्वेलरी की तरफ इशारा कर रही होती है। तभी किमिज़ुका उसका प्राइस देखता है और वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अलीसा उस ज्वेलरी शॉप में वह ज्वेलरी लेने के लिए जा रही होती है, पर तभी किमिज़ुका उसे रोकता है और बोलता है, क्या तुम सोच रही हो कि मैं वह तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। अलीसा बोलती है, तो तुम नहीं खरीद दोगे। किमिज़ुका बोलता है, नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। अलीसा बोलती है, किमिज़ुका तुम सच में बहुत गरीब हो। किमिज़ुका बोलता है, वह बस एक नॉर्मल जेमस्टोन है और हम जो ढूंढ रहे हैं वह चीज़ नहीं है, तुम्हें पता है, अंडरग्राउंड टाइप की चीज़। अब अलीसा कुछ सोचती है और बोलती है, हाँ मैं समझ गई। और वह फिर से वहाँ से भागने लगती है। किमिज़ुका उसके पीछे भाग रहा होता है और बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम अभी भी नहीं समझी हो। अब अलीसा को रास्ते में एक सीढ़ी दिखाई देती है जो नीचे ज़मीन में जा रही होती है। और अब अलीसा उस सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक कमरे में आ जाती है। उस कमरे में काफ़ी सारे प्लांट होते हैं और एक आदमी वहाँ पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। और अब किमिज़ुका अलीसा पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे दिमाग में कोई भी बात नहीं घुसती। अब किमिज़ुका अलीसा की ओर देखता है, पर अलीसा तब तक वहाँ से जा चुकी होती है। किमिज़ुका चारों ओर अलीसा को देखने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी आँखें ब्लर होने लगती है और उसकी आँख में पेन होता है। और अब किमिज़ुका देखता है अलीसा उससे थोड़ी दूर पर खड़ी किसी फल को हाथ में लिए उसे खाने की कोशिश कर रही होती, पर तभी किमिज़ुका उसे रोक देता है और उसे वहाँ से खींचकर बाहर ले आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अलीसा और किमिज़ुका बाहर घूम रहे होते हैं। वहीं किमिज़ुका बोल रहा होता है, आज के दिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया, आज दिन भर मैंने कुछ नहीं किया सिवाय बेबी सीटिंग के। जब अलीसा को पता चला था कि उसे एमनीशिया है तो वह काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, पर अब वह एक डिटेक्टिव बनकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब किमिज़ुका बोलता है, तो अलीसा तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है। अलीसा बोलती है, हाँ मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय के बाद इतनी देर के लिए अपने घर से बाहर निकली हूँ। यह सुनकर किमिज़ुका बोलता है, काफ़ी समय के बाद से तुम्हारा क्या मतलब है। अब अलीसा रुक जाती है और बोलती है, मुझे लगा कि मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने घर से बाहर निकली हूँ। किमिज़ुका बोलता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम काफ़ी लंबे समय से किसी रूम या किसी हॉस्पिटल के अंदर थी। अलीसा बोलती है, मुझे नहीं पता। और अब उसके सर में दर्द होने लगता है। किमिज़ुका बोलता है, तुम्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार सिएस्टा की इंजरी ठीक हो जाए वह तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुँचा देगी। और तभी अलीसा को कुछ दिखाई देता है और अलीसा उस ओर भाग जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ रोड के किनारे एक आदमी कुछ ज्वेलरीज बेच रहा होता है। अलीसा उसके पास जाकर बैठ जाती है। किमिज़ुका बोलता है, तुम यहाँ क्या देख रही हो। अलीसा एक अंगूठी की ओर इशारा करती है और बोलती है, यह
अब किमिजुका बोलता है, तो क्या अब हमें घर चलना चाहिए? पर तभी वो अलीसा की ओर देखता है और अलीसा वहाँ से गायब होती है। तभी शॉपकीपर अलीसा की ओर इशारा करता है और किमिजुका देखता है कि अलीसा वहाँ से भाग रही होती है। अब ना जाने अलीसा किमिजुका को कहाँ कहाँ घुमाती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह सभी सिएस्टा की इंजरीज ठीक हो जाने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। अब किमिजुका टाइम देखता है और बोलता है 9 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो गई है। सिएस्टा तुम ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाओ। सिएस्टा बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे एसिडिटी हो सकती है। अब किमिजुका सिएस्टा को एंटा एसिड देता है, सिएस्टा वह ले लेती है। यह देखकर अलीसा बोलती है तुम दोनों एक दूसरे का कितना ज़्यादा ख्याल रखते हो। किमिजुका तुम वह काम करते हो जो सिएस्टा तुमसे करने के लिए बोलती है, और सिएस्टा तुम भी वही काम करती हो जो किमिजुका तुमसे करने के लिए बोलता है, वो भी बिना किसी हेसिटेशन के। किमिजुका बोलता है क्योंकि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। तभी अलीसा बोलने वाली होती है मतलब तुम लव बर्ड्स हो, पर बीच में ही सिएस्टा उसके मुंह में एक ब्रेड ठूस देती है और वेटर को ऑर्डर देने लगती है। अब किमिजुका बोलता है तो अलीसा हमने तुम्हारे रहने के लिए एक नई जगह ढूंढ ली है। अलीसा बोलती है हाँ मैं उस चर्च में गई थी और मुझे वहाँ काफ़ी मज़ा आया। सिएस्टा बोलती है जब तक हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता ना चल जाए तब तक तुम्हें वहीं पर रहना होगा। अलीसा बोलती है वहाँ पर मेरे जैसे और भी कई सारे ऑर्फन बच्चे हैं जिनके साथ कल मैंने खेला था। वह चर्च बिल्कुल स्कूल जैसा है और मैं यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। किमिजुका बोलता है स्कूल, हाँ मैंने भी काफ़ी टाइम से अपना स्कूल अटेंड नहीं किया है। सिएस्टा बोलती है तुम मेरी ओर क्या देख रहे हो, वह क्रेप्स और टोटोयोकी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। किमिजुका बोलता है मुझे बस ये याद है कि मैंने वहाँ ज़्यादा खा लिया था और मेरा पेट खराब हो गया था। अब सिएस्टा किमिजुका की ओर देख रही होती है। किमिजुका बोलता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सिएस्टा बोलती है नहीं। किमिजुका बोलता है हाँ, और उस दिन जो तुमने रेड रिबन पहना था वह तुम पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अलीसा बोलती है रेड रिबन? सिएस्टा बोलती है मैं तुम्हारे लिए वह ला दूँगी। यह सुनकर अलीसा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मैं वह पहनकर स्कूल जाना चाहती हूँ। और अब अचानक अलीसा बोलती है मुझे स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास यहाँ काम है। किमिजुका बोलता है तुम्हारा मतलब वह डिटेक्टिव वाला काम? अलीसा बोलती है हाँ, और इसी वजह से मेरे पास स्कूल जाने का टाइम नहीं होगा। तभी सिएस्टा बोलती है पर तुम तो अभी तक आई ऑफ सफारी नहीं ढूंढ पाई हो। यह सुनकर अलीसा गुस्सा हो जाती है और बोलती है मुझे पता है और मैं अभी वह ढूंढ कर लाती हूँ। किमिजुका बोलता है तो क्या तुम अभी इस वक्त उसे ढूंढने के लिए बाहर जा रही हो? अलीसा बोलती है किमिजुका तुम मेरे पीछे मत आना। और अब अलीसा वहाँ से बाहर आई ऑफ सफारी ढूंढने के लिए जाने लगती है। तभी किमिजुका बोलता है बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है जिस वजह से बाहर भूत घूम रहे होंगे। यह सुनकर अलीसा रुक जाती है और बोलती है मेरे ख्याल से मुझे अभी मेरे रूम में जाना चाहिए और मैं कल सुबह उसे ढूंढूंगी। तुम सभी देख लेना, मैं कल तुम्हें वह ढूंढकर दिखाऊंगी। अब सिएस्टा बोलती है तो किमिजुका तुम्हें इन 2 हफ्तों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किमिजुका बोलता है हाँ शायद, पर अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास अलीसा का भी केस सॉल्व करना है और हेल का भी। सिएस्टा बोलती है आज तक मैंने कोई भी केस लेने के बाद बिना उसे पूरा किए नहीं छोड़ा है। किमिजुका बोलता है तो क्या हम दोनों केस एक साथ सॉल्व करेंगे? सिएस्टा बोलती है हाँ हम दोनों केस एक साथ ही संभाल सकते हैं। अब किमिजुका बोलता है यहाँ अभी सब कुछ कितना पीसफुल है। सिएस्टा बोलती है तुम सेंटिमेंटल हो रहे हो। किमिजुका बोलता है नहीं मैं नहीं हो रहा। और अब वह अपना जूस पीता है पर तभी वह उसे थूक देता है और बोलता है यह तो अल्कोहल है। क्या तुम यह अल्कोहल पी रही हो? सिएस्टा बोलती है नहीं यह बस जूस है और हम आज मेरे ठीक होने की पार्टी इंजॉय कर रहे हैं तो तुम लास्ट तक मेरे साथ यहाँ रहने वाले हो। तो किमिजुका तुम और भी जूस पीना चाहोगे? किमिजुका बोलता है नहीं मैं पी चुका। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिएस्टा नशे में होती है और वह कुछ कुछ बोलने जा रही होती है। वहीं बैठा किमिजुका बोल रहा होता है यह क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं आज काम करके काफ़ी ज़्यादा थक गया था? नहीं, सिएस्टा ने वन मोर करके कम से कम मुझे 10 बार वह चीज़ पिला दी होगी। अब सिएस्टा बोलती है किमिजुका तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? किमिजुका बोलता है हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तुम वाटरमेलन और वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रही हो ना? और अब सिएस्टा फिर अपने सब्जियों की कहानी स्टार्ट कर देती है। अब किमिजुका बोलता है हम दोनों यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे थे पर सिएस्टा तो बस ऐसे ही इधर उधर की बेकार बातें किए चली जा रही है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि वह क्या बोल रही है। अब सिएस्टा बोलती है तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो, यहाँ मेरे पास इस बेड पर आकर बैठो, हम थोड़ी देर और बात करते हैं। किमिजुका बोलता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सोचना चाहिए, पर एक लड़का और एक लड़की एक बेड पर। सिएस्टा बोलती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? किमिजुका बोलता है नहीं। और अब हमें दिखाया जाता है वह दोनों उस बेड पर लेटे होते हैं और सिएस्टा बोलती है तुम काफ़ी करीब हो किमिजुका, तुम्हारे पास एक ऐसा चेहरा है जिसे देखने के बाद लोग कुछ ही दिन में तुम्हारा चेहरा भूल जाएंगे।
किमिजुका बोलता है, तो क्या तुम मुझसे यह कहना चाहती थी? पर तुम्हारे साथ केसेस सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते? किमिजुका चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। और अब सिएस्टा बोलती है, किमिजुका तुम सच में बहुत ज़्यादा फनी हो। सिएस्टा बोलती है, पर तुम्हारा यह चेहरा काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। किमिजुका बोलता है, तो क्या यह एक कॉम्प्लीमेंट था? सिएस्टा बोलती है, किमिजुका तुम्हारा चेहरा कोई भी कुछ ही दिनों में भूल सकता है, पर हमने जो 3 साल तक अपनी केसेस सॉल्व किए हैं वह मैं कभी नहीं भूल सकती। किमिजुका चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। सिएस्टा बोलती है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हो। किमिजुका बोलता है, अगर मैं चुपचाप तुम्हारी बातें ना सुनूं तो और क्या करूं? और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह किमिजुका की आँखें खुलती है। उसका सर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और अब वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सिएस्टा भी जग जाती है। पहले सिएस्टा किमिजुका को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अब वह अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालती है और बोलती है, असिस्टेंट अपना हाथ आगे करो। किमिजुका काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, सिएस्टा पहले अपने हाथ से वह इंजेक्शन दूर करके बात करो। सिएस्टा बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हें बस थोड़ा सा दर्द होगा और फिर तुम सब कुछ भूल जाओगे। इस इंजेक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारी मेमोरीज थोड़ी मिट जाएगी, तो अब अपना हाथ आगे करो। तभी उनका डोरबेल बजता है। किमिजुका बोलता है, लगता है कोई आया है, हमें जाके दरवाज़ा खोलना चाहिए। सिएस्टा जाके दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे अलीसा होती है। अलीसा बोलती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अब सिएस्टा बोलती है, मैंने अपना मिशन कम्प्लीट कर लिया। किमिजुका बोलता है, तो क्या तुमने सच में आई ऑफ सफ़ाहिर ढूंढ लिया? अब अलीसा किमिजुका को एक आई पैच पहना देती है और बोलती है, तुम्हारे साथ 2 हफ्तों तक काम करने के बाद मैंने ये नोटिस किया। किमिजुका बोलता है, हाँ उस चोट की वजह से मेरी लेफ्ट आई में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और मेरे विज़न पर इफ़ेक्ट पड़ रहा था और इसी वजह से मैं हर बार यह देख नहीं पा रहा था कि अलीसा कहाँ चली जा रही थी। अलीसा बोलती है, अगर तुमने यह आई पैच नहीं पहना तो तुम्हारी वह चोट जल्दी हील नहीं होगी। अब किमिजुका बोलता है, अभी तक मैं अलीसा को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। अब अलीसा सिएस्टा से बोलती है, मेरा आंसर सही है ना? यह सुनकर किमिजुका काफ़ी हैरान हो जाता है और बोलता है, तो यह सब तुमने किया था सिएस्टा? सिएस्टा बात छुपाते हुए बोलती है, मैंने तो बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी थी। किमिजुका बोलता है, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता सिएस्टा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिएस्टा और किमिजुका कहीं जा रहे होते हैं। सिएस्टा बोलती है, तुम यह प्रेजेंट पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो, पर तुम्हें यह प्रेजेंट तुमसे काफ़ी छोटी लड़की ने दी है। किमिजुका बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सिएस्टा बोलती है, मुझे माफ़ कर दो किमिजुका, मैंने पहले तुम्हारी आँख पर ध्यान नहीं दिया। किमिजुका बोलता है, कोई बात नहीं, आखिर तुम एक इंसान हो और गलती इंसान से ही होती है, और मैं यह देखकर खुश हूँ कि तुम मेरी केयर करती हो। अब सिएस्टा आगे जाकर एक पोस्टर को देखने लगती है। किमिजुका सिएस्टा के पास जाता है और उसे पूछता है, क्या हुआ सिएस्टा? सिएस्टा बोलती है, कुछ भी नहीं, और वह दोनों वहाँ से आगे निकल जाते हैं। वहीं सिएस्टा सोच रही होती है, नहीं अभी टाइम नहीं आया है। तभी किमिजुका को एक कॉल आती है। कॉल पर फुयूबी होती है जो किमिजुका को बोलती है, तो अभी तक तुम किसी तरह जिंदा हो किमिजुका? किमिजुका बोलता है, तुमने यह बात मुझे पिछली बार भी बोली थी, पर हमने वह जैक द रिपर वाला केस हैंडल कर लिया। फुयूबी बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे कब मिली? किमिजुका बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं, हम 2 हफ्ते पहले ही मिले थे जब तुमने हमें आई ऑफ सवाहिर के बारे में बताया था। फुयूबी बोलती है, नहीं मैं तुमसे बस चर्च में मिली थी और उसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिली, तुमने किसी और को मैं समझ लिया होगा। यह सुनकर किमिजुका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, तो आखिर वह कौन था? हाँ उसके हाथ में वह लाइटर था, पर फुयूबी ने पहले ही वह लाइटर मुझे दे दिया था। अब किमिजुका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी सिएस्टा उसे आवाज़ लगाती है। अब किमिजुका बोलता है, हम उस दिन जिस फुयूबी से मिले थे एक्चुअली में वह रियल फुयूबी नहीं थी। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।